आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वाद करते हैं पहली खबर से। तो हर राशन कार्ड धारक को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, इस राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को देने का फैसला लिया है। दस स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम यहां पर बिहार के अंदर उठाया गया है। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का फैसला लिया है। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट बैठक के बाद जो है मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि ये बिहार में जो है राज्य सरकार द्वारा लिया गया सबसे बड़ा यहाँ पर फैसला है, यानी एनडीए सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला है। वह बिहार सरकार अब जो है बिहार के अंदर जो है प्रधानमंत्री जो यहाँ पर जन आरोग्य योजना है उसके तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है मुहैया कराएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 1.2 करोड़ के आसपास लोग जो है अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा रहे हैं। वह सम्राट चौधरी ने कहा कि हम अब लगभग 58 लाख लोगों को भी राज्य में जो है कवर यहां पर किया जाएगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी है। उन्होंने कहा कि राज्य कैबिनेट के आज के फैसलों के बाद अब राज्य में लगभग 2 करोड़ लोग जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको कवर जो है वो किया जाएगा, आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। बाद हम कहते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कॉटन कैंडी से कैंसर का खतरा, तमिलनाडु सरकार ने भी लगाया है बैन। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दी है। इस बारे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार पूरे एनालिसिस में जो है कॉटन कैंडी के कैंसर पैदा करने वाले केमिकल की पुष्टि के बाद बिक्री और उत्पादन पर बैन लगा दिया गया है। वे तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कॉटन कैंडी पर बैन लगाने की जानकारी देते हुए कहा कि कॉटन कैंडी के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें कैंसर पैदा करने वाले रोडामाइन जो बीज केमिकल जो है उसकी पुष्टि यहां पर हुई है। इसके बाद राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री पर उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। वहीं उन्होंने अपने बयान में कहा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोडामाइन बीज में मिले खाद्य पदार्थ तैयार करने और पैकेजिंग करने और आयात करने और बेचना और परोसना और दंडनीय अपराध है। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले की समीक्षा कर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, यानी उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है, सख्त कार्रवाई की बात यहाँ पर कही गई है। बता दें आपको कि तमिलनाडु से पहले उसके पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी, उसमें भी कॉटन कैंडी पर बैन लगा दिया गया था। पुडुचेरी ने कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी की जो है मौजूदगी पाए जाने के बाद 9 फरवरी को राज्य के अंदर जो है इस पर बैन जो है वो लगाया गया था। बैन जो है उसके बाद सरकार की ओर से इसके ऊपर बैन जो है वो इस राज्य में लगाया गया था सरकार की ओर से। ये जो है तमिलनाडु सरकार के यहाँ पर बैन से पहले जो है पहले पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने भी जो है इसके ऊपर बैन लगाया था। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, एयरटेल और जियो को पछाड़ने को लेकर बीएसएनएल का मास्टर प्लान वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर होगा खेला। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली टेलीकॉम कंपनी जो है बीएसएनएल, एक वक्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका दबदबा जो है वो हुआ करता था, यानी बीएसएनएल का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब जो है शहरी क्षेत्रों में साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जियो और एयरटेल का दबदबा बढ़ता जा रहा है और मोबाइल यूजर्स बीएसएनएल नेटवर्क को छोड़ते जा रहे हैं। वही बीएसएनएल यूजर्स की संख्या में पिछले कुछ सालों से जो है काफी ज्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है, वही कई गिरावट जो है इसमें यहाँ पर देखने को मिली है। ऐसे में बीएसएनएल अपने ग्राहकों को जोड़े रखने और पुराने ग्राहकों को वापस बुलाने के लिए एक मास्टर प्लान के साथ आया है। इसके लिए सरकार को चिट्ठी भी जो है वो यहाँ पर लिखी गई है, यानी सरकार को चिट्ठी भी यहाँ पर लिखी गई है। दरअसल बात यह है कि बीएसएनएल ने सरकार से कहा है कि वह अपनी जो 4G सेवाएं जो है, यानी बीएसएनएल अपनी 4G सेवाएं जो है पूरे देश में पहुंचाने के लिए वोडाफोन आइडिया कंपनी के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह बीएसएनएल ने इसके लिए सरकार से इजाजत मांगी है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने सरकार की हिस्सेदारी, वोडाफोन आइडिया की कंपनी में जो है सबसे ज्यादा सरकार की हिस्सेदारी है, 33% यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी है। मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल बीएसएनएल के लिए भी कर सकती है। दरअसल बीएसएनएल की चिंताओं
जो है वो जाहिर करते हुए बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ एक चिट्ठी यहाँ पर लिखी थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क देश के हर हिस्से में उपलब्ध नहीं है। इस वजह से देश के जिन हिस्सों में बीएसएनएल का नेटवर्क मौजूद नहीं है, वहां पर वोडाफोन आइडिया की 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों में सरकार की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा यहाँ पर है। वही सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। बीएसएनएल ने सरकार से कहा है कि वे देश के हर हिस्सों में 4G सेवाएं उपलब्ध न होने पर जियो एयरटेल द्वारा 5G सर्विस दिए जाने के कारण बीएसएनएल के यूएस जियो और एयरटेल में शिफ्ट हो रहा है। इस कारण बीएसएनएल वोडाफोन आइडिया की 4G सेवा और नेटवर्क का इस्तेमाल करने की जरूरत मांग रहा है, ताकि अपनी 4G सर्विस को पूरे देश में जो है बीएसएनएल फैला सके।